WWE में हम कई रेसलर्स को जानते हैं और उसमें से कई रेसलर अपने जीवन में कई बार बड़े रिस्क उठाते हैं, यहाँ तक कि कई बार जिंदगी और मौत तक के खतरों का वो सामना करते हैं। कई बार हमारे ये WWE के सुपरस्टार रियल लाइफ के हीरो बने हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 5 WWE सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने दूसरों की खातिर अपनी जान पर रिस्क लेकर दूसरों की मदद की। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं उनके बारे में। नंबर 5 पर बात करें तो वो हैं क्रिस मास्टर। क्रिस मास्टर WWE के बहुत ही मेघावी रेसलर थे। कहा जाता है एक बार एक धोखेबाज पड़ोसी ने उनकी माँ को उनके घर में ही बंधक बना लिया। पागल पड़ोसी ने पुलिस पर चिल्लाते हुए कहा कि वह घर में आग लगाने जा रहा है। पुलिस ने इसकी सूचना क्रिस को दी। कहा जाता है क्रिस अपनी माँ के घर तुरंत भागते हुए पहुँचे, लेकिन तब तक उस पड़ोसी ने घर में आग लगा दी। मगर यह आग की लपटें भी क्रिस को अपनी माँ को सुरक्षित बाहर निकालने से नहीं रोक पाई, क्योंकि क्रिस बहुत ही बहादुर थे। क्रिस ने अपने घर के आंगन में लगा 10 फीट से ऊपर का एक पीपल का पेड़ उखाड़ डाला और उन्होंने इसे घर की एक खिड़की की तरफ तोड़ते हुए रास्ता बना डाला। पुलिस के अधिकारी उस खिड़की के माध्यम से घर में घुस गए और इस मुश्किल परिस्थिति से मास्टर ने अपनी माँ को बचा डाला। अंत में उन्होंने कहा कि हमने अपनी माँ की जान बचा ली है। उस पागल आदमी ने खुद को और मेरी माँ को अपार्टमेंट में बंद कर लिया था और आग लगा दिया था। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरी माँ जिंदा है। अंततः उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर किडनैपिंग और अन्य कई आरोप लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। क्रिस ने बहादुरी के साथ अपनी मां को बचा डाला था। सॉन डायवेरी। पूर्व WWE सुपरस्टार डायवेरी ने हमेशा ही एक विवादास्पद करेक्टर WWE में निभाया है। वह एक विलेन की तरह से WWE में आते थे और सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले करेक्टर के रूप में डायवेरी का हमेशा से WWE वालों ने प्रयोग किया। हालांकि 2012 के अंत में वह एक हीरो बन गए थे। कहा जाता है एक बार मिस्टर डायवेरी एक रेल में यात्रा कर रहे थे जो मिनियापोलिस सेंट की ओर जा रही थी। पॉल स्टेशन पर एक अन्य यात्री चिल्ला चिल्ला कर धमकी देने लगा और वह यह कह रहा था कि वह यहाँ उपस्थित लोगों को मारने वाला है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, कई यात्री डरने लगे और किसी ने इमरजेंसी स्विच को दबा डाला और उसी समय डायवेरी ने उस दुष्ट आदमी को पकड़ डाला और उसे दबोच डाला। जब तक अगले स्टॉप में ट्रेन रुकी तब तक उन्होंने उस दुष्ट आदमी को दबोचे रखा। फिर जाके पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ डाला। डायवेरी ने बहादुरी से एक बदमाश आदमी को दबोचकर कई लोगों की जान बचाई। नंबर 3, पेरी सैटर्न। पेरी सैटर्न काफ़ी सज्जन किस्म के रेसलर थे। अप्रैल 2004 में पेरी सैटर्न एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को एटलांटा स्थित घर के पास कार से छोड़ने जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्होंने दो दुष्ट आदमियों को देखा जो एक औरत की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। पेरी सैटर्न ने तुरंत अपनी कार को रोका। वह उन बदमाशों से भिड़ गए। दोनों बदमाश काफ़ी बड़े बदमाश थे। उनके पास कई घातक हथियार थे और हमलावरों ने सैटर्न को दो गोलियां मार डाली। एक गोली उनको गर्दन पर लगी और दूसरी गोली उनके दाएं कंधे पर। पेरी ने बाद में बताया कि वास्तव में उन्हें तब एहसास नहीं हुआ कि उन्हें कंधे में गोली लगी है। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने मुक्का मारा हो। पेरी सैटर्न को रिकवर होने में कई लंबा समय लग गया और वह कई महीने अस्पताल में रहे। कहा जाता है उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वह बुरी तरीके से ड्रग्स के आदि हो गए और अंत में वह बेघर होकर सड़कों पर आ गए हैं। नंबर 2, बैम बम बिगलो। कहा जाता है बैम बम बिगलो WWE के बहुत ही महत्वपूर्ण रेसलर थे। WWE में अपने बहुत बड़े योगदान की बदौलत WWE वालों ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। जुलाई 2000 में बैम बम बिगलो अपने फ्लोरिडा वाले घर के बाहर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी के घर में आग लग गई है। बिगलो जानते थे कि उस घर में 3-4 छोटे बच्चे भी रहते हैं, इसलिए वह तुरंत ही फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही बच्चों को बचाने के लिए वह घर में घुस गए। घर में भीषण आग लगी थी, लेकिन फिर भी बिगलो काफ़ी बड़ा खतरा उठा के घर के अंदर घुस गए। बिगलो आग की लपटों के बीच दौड़ गए और तीनों बच्चों को उस खतरे से बाहर निकाल लाए। इस घटना के परिणाम स्वरूप बैम बम बिगलो का शरीर 40% तक जल गया और उन्हें ठीक होने के लिए कई महीने अस्पताल में बिताने पड़े। बिगलो ने अपने इस साहसिक कारनामे की वजह से उन बच्चों की जान बचा डाली। उनके जैसे सज्जन रेसलर आप बहुत ही कम देखने को दिखाई देते हैं। नंबर 1, ब्रे वायट।
ब्रे वायट WWE के बेहद खतरनाक किस्म के रेसलर हैं। WWE के खतरनाक रेसलर भाग 4 में हमने आपको माइक रोटुंडा के बारे में बताया था। ब्रे वायट उन्हीं के बेटे हैं और इनका असली नाम मिस्टर लॉरेंस रोटुंडा है। दोस्तों, ब्रे वायट के नाम से यह WWE में जाने जाते हैं। कहा जाता है ब्रे वायट एक बार मंडे नाइट रॉ के लिए अपने दोस्त जेडजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तभी उनके पीछे बेतहाशा दौड़ती हुई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दिया। यह महसूस करने के बाद कि वह सुरक्षित हैं, उन्होंने उस अपराधी कार का पीछा किया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पर कुछ दूरी पर ही वह कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटकर गिरती हुई दूर हाईवे पर छटक गई। ब्रे वायट और जेडजी उस क्षतिग्रस्त कार के तरफ पहुंचे और उन्होंने वहां रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने देखा कि उसे एक लड़की चला रही थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। वह लड़की घायल भी थी, इसलिए ब्रे वायट ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को एम्बुलेंस में भेज दिया। वह लड़की यही कह रही थी कि यह बात किसी को न बताएं क्योंकि उसके पिताजी उसे मार डालेंगे। इसलिए ब्रे वायट ने यह बात किसी को नहीं बताई और वह तुरंत अपनी कार में बैठकर आगे की ओर चल दिए। ब्रे वायट और वायट फैमिली को WWE की बेहद खतरनाक फैमिली के रूप में भी जाना जाता है। इनके बारे में हम आपको WWE के खतरनाक रेसलर भाग 5 में बताएंगे। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात, आप लोगों के सहयोग और प्यार की बदौलत आज हमारा YouTube फैमिली परिवार 25,000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा का हो गया है। दोस्तों, हमने आपको आपकी रिक्वेस्ट पर WWE पर वीडियोस ला कर दिए। वैसे हमारा चैनल रहस्यों पर था, इसलिए हमने आपको हॉरर मूवी से रिलेटेड रहस्यों के बारे में भी बताया, पर आज हमने 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, जल्द ही हम अपने चैनल पर Q&A और गिवअवे भी करेंगे और हम आपको अपने बारे में भी ज़रूर बताएंगे। अब एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन की वजह से डूब जाता है। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की इस नदी में सफलतापूर्वक आसानी से पार चले जाता है। दोस्तों, हमेशा उन जीवों की मदद कीजिए जो बोल नहीं सकते। दोस्तों, इस तस्वीर को ही देखिए। दोस्तों, इसमें यह बच्चे को अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन अपने नन्हे दोस्त को वह सर पर रखकर ला रहा है। यह तस्वीर बाढ़ग्रस्त इलाके की है। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, मैंने अक्सर ऐसा गरीबों के वहीं देखा है जहाँ पर थोड़े खाने को वो लोग मिल बाँट के खाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि कभी भी अन्न का बर्बाद न किया करें। दोस्तों, पशु पक्षियों और बेजुबानों से प्रेम किया करें, उन्हें न मारा करें। दोस्तों, किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं नियत की ज़रूरत होती है। और आज का अंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आज का अंक कैसा लगा, आपकी इन रेसलर्स के बारे में क्या राय है और आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, आप हमें ज़रूर बताइए। भविष्य में आप हमारे चैनल पर अन्य कोई सुझाव देना चाहें तो वह भी आप हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।